सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर बाय चांस। और कल रात हम आ गए थे माउंट आबू में, ये हमें होटल मिल गया था, ये हमारा होटल रूम है छोटा सा। एक्चुअली यहाँ पे पहले से सारा बुक था, तो ढूंढते ढूंढते लास्ट में हमें यही मिला। 2200 रुपये लिया उसने 3 बेड का, एक हमने यहाँ लगा दिया, 4 जने थे इसी में हो गए। तो बहुत बड़ा रूम नहीं था, छोटा सा रूम था, ओके कोई इशू नहीं हुआ, आराम से सो गए। और अभी ऐसा है कि अब निकल रहे हम यहाँ से माउंट आबू घूमने के लिए। वक्त हो रहा है सुबह का 9:30, ठीक है, नहा वहा लिया है, चाय वगैरह पी लिया हमने, ब्रेकफास्ट कर लिया है, निकल रहे हैं। एक है गुरु शिखर जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या है घूमने के लिए, कुछ छोटे मोटे ऐसे पॉइंट है तो वहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद फिर एक दो और पॉइंट है माउंट आबू में, उसको विजिट करेंगे और फिर निकल लेंगे यहाँ से हम नोएडा के लिए। तो आज तो नोएडा पहुँच नहीं पाएंगे, तो जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक चलेंगे। और बंद हो जा और स्टे कर जाएंगे, फिर कल तो आराम से नोएडा पहुँच जाएंगे। तो ये था प्रॉपर हमारा बाहर का स्पेस, था ऐसे झूले वूले लगे पड़े थे, चेयर लगे पड़े थे बैठने बैठने के लिए, यही था, अच्छा था, ठीक ठाक था। यहाँ हमने लगा दिया अपना स्टिकर बाइकर बाई चांस का, और हमारी बाइकें हो रखी हैं रेडी, बिल्कुल माउंटेड। सो हमने सारा सामान बांध लिया है, सारा सामान रख लिया है, अब वक्त हो गया यहाँ से निकलने का। सो चलते गुरु शिखर घूमते और देखते वहाँ पे क्या है ऐसा देखने दिखाने लायक। और अपने बाइक भी दिल्ली से लेके यहाँ तक हमारी बाइक भी ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर चल चुकी है। सो इसका एक बार को चैन लूप चैन क्लीन भी कराना, वो भी करा लेंगे, बट वो है ऊपर से आते वक्त, जब नीचे की तरफ जाएंगे वहाँ करा लेंगे। सो हाँ जी चले फिर। हेलो हेलो सर, हाय, चलो चलो आ जाओ आ जाओ। तो ठीक है दोस्तों, निकलते अभी यहाँ से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना, अपने को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, उसके बाद अपने को दिल्ली की तरफ भी निकलना है। सो करते हैं अपना राइड आज से यहाँ स्टार्ट और मिलते हैं आपसे बाइक पे। चले चलो जी भैया, बाय बाय, बैठ जा। रुक जा, बैठ जा। हाँ जी, तो ये हम होटल से निकल गए और ये जा रहे गुरु शिखर की तरफ। ये है गुरु शिखर जाने का रास्ता। सुबह सुबह नहा भी लिया हमने, पानी मिल गया था गर्म। यहाँ पे एक सिस्टम देख रहा मैं कि गीजर नहीं लगाए, और आपको नहाने के लिए वेट करना होगा सुबह का, जब सनराइज होता है, सोलर सिस्टम है, उसी से पानी गर्म होता है। तो नहा लिया हम सभी ने, नहा के निकल रहे या गुरु शिखर पीछे रह गया, ज़्यादा पीछे है। तो यहाँ से मुड़ना था, हम आगे निकल गए थे।
अच्छा सीधा रोड जाएगा, यहाँ से सीधा गुरु शिखर जाएगा, आगे तो नागा आएगा, वहाँ से गाड़ी आपके लेगा। अच्छा एक बीस पार्क जाएगा, एक गुरु शिखर। ओके कितना दूर है यहाँ से? 13 किलोमीटर। चलो जी ठीक है, थैंक ठीक है ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। यहाँ से 13 किलोमीटर है गुरु शिखर, एक नाका आएगा, वहाँ पे बाइक के पैसे लेगा 20-30 रुपए। लंगूर हाँ देखा दिखा दिखा दिखा, हो रहा हो रहा, अरे शाबाश है, ओ भाई ओ ओ ओ इसकी माँ का, ये रेस लगा रहा है तो भाई, स्पाइडर मैन है पूरा ही अपना, देसी स्पाइडर मैन। एक बाइक के टोटल 5 मेंबर। ओके ठीक है, दे दो 20 रुपए दे दो इनको, आप इनसे ले लो। क्या बढ़िया लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है बिहार में चल रहा है। रोड नहीं बना होता ना, कच्ची सड़क होती तो भाई साहब मजा भी आता है, फटता भी। ये देखो ये देखो, ओ जंगली भैंस है। जंगली भैंस नहीं, अरे नॉर्मल भैंस है, देखो जंगली भैंस है। बाइक राइडिंग जो है ना, बेस्ट मेडिसिन है किसी भी चीज के लिए, बेस्ट मेडिसिन। आप डिप्रेशन में हो, लाइफ की लगी पड़ी है ना, लंका लगी हुई है, दिल टूटा हुआ है ना, बस बाइक उठाओ निकल लो, काम का स्ट्रेस कुछ भी लाइफ सही नहीं चल रहा है, बाइक उठाओ निकल लो, बेस्ट फीलिंग भैया, बेस्ट फीलिंग। गुरु शिखर मंदिर किधर है? गुरु अपने को इधर है ना, ये लोग ऊपर जा रहे हैं ना। देख के लू में थोड़ा सा आराम से, ठीक है। सो अपने को क्या हुआ कि पहले अपने आ गए गुरु शिखर पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से दो रास्ते हैं भाई साहब पॉइंट पे जाने का, एक इधर से, इधर से 350 स्टेप चलना पड़ेगा सीढ़ी से, ठीक है। और एक है इधर से जो नेचुरल ट्रैक है जहाँ से हम ट्रैकिंग करेंगे। अपने को अपना एक भाई मिला इधर आ जाए, नाम क्या है? सूरज सिंह। सूरज, सूरज ने अपने को बताया इधर से जाना ज़्यादा सही रहेगा, सामने से ये नेचुरल ट्रैकिंग है, पूरा ट्रैकिंग करते हुए जाएंगे, व्यू पॉइंट अच्छे आने वाले हैं, है ना सूरज? चार मंदिर का दर्शन भी करेंगे, चार मंदिर का दर्शन भी करेंगे और इधर से मजा आने वाला है। अभी तक अपने पास ये गुरु जी थे, हाँ अभी जी, अभी अभी आप, अभी हमारे छोटे छोटे गुरु जी, आप हमारे छोटे गुरु जी। तो यहाँ से हम गुरु शिखर का अपना स्टार्ट करते हैं ट्रैक, आगे अगर हमारे छोटे गुरु जी चल रहे सूरज सिंह, और ये हमें लीड करेंगे ऊपर तक। इन्होंने बताया कि आगे चार टेम्पल है, चार टेम्पल के दर्शन होंगे, व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। तो चलते हैं, इंजॉय करते हैं ट्रैक को, और आई बिलीव कि ऊपर मजा आने वाला है कि नहीं दोस्तों? भाई एक नंबर, बहुत हार्ड। चलो जी
हमने अपना सारा हेलमेट हो गया, राइडिंग जैकेट वगैरह जो भी हैवी सामान था उस सूरज के पास, सूरज के पास रखवा दिया हमने, क्योंकि वो पहन के ऊपर चढ़ना मतलब लंका लगना, लंका लगना, पैर संभाल के रखने का, ठीक है, ज़्यादा जोश में नहीं, पकड़ बना के, वरना जो गिर जाएगा उसे छोड़ दूंगा मैं यहीं पे। तो इनकी बाइक पीछे पड़ा हुआ है तू। यार मेरे को रात में भी हंसी आ रही थी सोते सोते। कह रहा बाइक चलाएगा, कह रहा बाइक चलाएगा, कह रहा गियर, कह रहा गियर का वाला बाइक गिर गया, गियर कहाँ से डलेगा भाई, बाइक लेके भागने के चक्कर में ये गियर कहाँ से डलेगा। अरे यार वो आगे पीछे के नीचे वाले थोड़ा ना पता नहीं चलता है। वैसे कुछ भी गई है जो केचुआ वाले जो शूज पहन रखे हैं ना, बहुत अच्छा है, ठीक है, सलाम वो होता ही, बहुत अच्छा है, इसमें विंटर वाला भी आता है, प्रॉपर ट्रैकिंग का बनाते हैं। सूरज कितने किलोमीटर है टोटल? ये 1 किलोमीटर रहता है सर टोटल पूरा ट्रैक। अच्छा 1 किलोमीटर है ना, सही है, फिर से कट्टा बता लिया था ना, वर्मा विष्णु महेश के रूप में। अच्छा अच्छा वो मंदिर देखते हैं उसकी भाई, मुझे लगता है हम 200 मीटर भी नहीं चढ़े होंगे, है ना, सांस फूल गई। भाई ये क्या व्यू है यार, हेवन है भाई, हेवन भाई साहब, हेवन और वो लाइन क्या दिख रहा है, होराइजन, होराइजन दिख रहा है, होराइजन है ना वो, हां होराइजन है, इसकी नजर देखो इधर देखो सर, वाओ दिस फकिंग ऑसम मैन। ये भैरव जी की गुफा और यहाँ पे ऋषि मुनि तपस्या करते, देख लो कितना कितना नैरो सा है। आप इतना नहीं करता, बहुत छोटा है, मुझे पसंद है वैसे, मैं करेंगे ना सर अगली बार, आप 10 किलोमीटर वाला 15 किलोमीटर वाला करिएगा साथ में करेंगे। मेरे को देखो क्या क्या क्या, ये तो नहीं है सीढ़ियों के पास, छोटा वो लग रहा है, ये वही सीढ़िया हो गई ना दोस्त, ये लोग सीढ़िया से आ रहे हैं।
अभी जाएंगे अपने सर अरावली पर्वतमाला पे गुरु शिखर के सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, जहाँ पे दत्त भगवान के चरण पादुका है। अच्छा अच्छा, हमने चरण पादुका का दर्शन करेंगे। एक बड़ा घंटा लगा हुआ है, उसको तीन बार बजाने से अपने मनोकामना पूर्ण होगा। पहले गौशाला था इधर शर्मा जी, एक बार बजाने तीन बार शाम को सभी गया तो वो घंटा अभी तक लगा हुआ। वो घंटा सर सोना चांदी पीतल से बना हुआ। अच्छा, चार पाँच चाकू से बना हुआ है। नीचे बड़ी लाइब्रेरी है। भाई साहब पहाड़ पे हो और मैगी नहीं खाओ तो क्या पहाड़ पे है फिर, है ना? तो ये है पहाड़ की मैगी। बिल्कुल सर, एकदम सही कहा, पहाड़ों की मैगी की बात ही अलग है। और ये आ गया खोची में। कितना बनाऊं? तीन ना। ओके, सो हमारे गुरु शिखर का ट्रैक हो गया ख़त्म। अपन ने मस्त ट्रैकिंग किया गुरु शिखर में, इधर से होके गए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट मिले हमें, है ना? बहुत ही बेहतरीन व्यू पॉइंट जो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल दूंगा वीडियो के अंदर, आप उसको देखना, आप लोगों को मजा आएगा। इंस्टा 360 से रिकॉर्ड किया, सॉरी, बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे फोटोज लिए हैं जो मैं अपने इंस्टा चैनल पर डालेंगे, अपने चैनल पर डालूंगा। ये रमेश भाई का चैनल है ऑरा राइडर, मैं उनका लिंक यहाँ पर डाल दे रहा। फिरोज का चैनल है, सॉरी फिरोज का इंस्टाग्राम अकाउंट है, हमारे राजेश भाई का इंस्टाग्राम अकाउंट, मैं तीनों अकाउंट का हैंडल जो है यहाँ स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप इसको देखना, विजिट करना। बहुत ही बेहतरीन फोटो लिए हैं, बहुत ही अच्छे सीन लिए हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो वो था कि मतलब वर्धित था, है ना? अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आप एक गाइड करो, ठीक है, वो 450 रुपये 500 रुपये लेगा, वो बंदा आपको पूरा ऐसे ट्रैकिंग करा के और 10 सीढ़ियों से लेके आ जाएगा। और अगर आप आना है तो सूरज भाई का हैंडल नीचे डालना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने जिस बंदे के साथ गए थे, जो सूरज एक बच्चा है, उसका भी हैंडल मैं डाल दूंगा। उस बच्चे के साथ जाओ आप, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है एक चीज़ को, बहुत अच्छे से समझाता है। ट्रैकिंग इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर का है, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, है ना? 1 से 1.5 घंटा लगेगा आराम आराम से घूमते फिरते, मज़ा आ रहा है। बिल्कुल सही, पैसा वसूल, मज़ा आ रहा है। सो अब जा रहे हैं अपन नीचे और माउंट आबू, वहाँ से नक्की लेक जाएंगे, नक्की लेक झील देखते हैं क्या है कैसा है, कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, लंच करेंगे यहीं पे और उसके बाद निकल लेंगे अपन दिल्ली नोएडा के लिए। सो चलते हैं, मज़ा आया। गुरु शिखर पर्वत ना पाओ, ये बहुत ही वर्दी है, इंटरेस्टिंग है, राइड काफ़ी अच्छा है यहाँ का, रास्ते अच्छे हैं, व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, सो जाना चाहिए। मतलब राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और उतना ही खूबसूरत है ये। सड़कें तो एक नंबर, में बार बार बोल रहा, सड़कें तो एक नंबर है भाई इधर के, ये रहा लेक। सो अपन आ गए हैं नक्की लेक पे, है ना? और बात हो रही है बाइक की एंट्री, किधर है पार्किंग का पूछो, जरा उधर के पार्किंग का उतर,
कंफर्म कर किसी से भी पूछना। हाँ यहीं पे। अरे यार भाई ये तो सामान वगैरह है ना यहाँ पे। भाई कुछ हंसते हैं जरा। सो गाड़ी को कर दिया हमने ऐसे पार्क। अंकल से बात हुई, उन्होंने बोला सेफ रहेगा यहाँ पे, सामान कोई इशू नहीं है। तो चलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। अगर बोटिंग वोटिंग करना होगा तो बोटिंग करेंगे, फिर निकलते हैं खाना वाना खा के यहाँ से, है ना। बोटिंग वोटिंग करना तो बोटिंग भी कर लेंगे, टाइम है अपने पास। चलो सो भाई अपन आ गए हैं लक्की नक्की नक्की लेक, ठीक है। नहीं सर नहीं पकड़ेंगे, अपनी जिंदगी में ऐसे झंड लगी पड़ी और जादू नहीं देखना। तो मैं मैजिक शो दिखाऊं अपनी जिंदगी मैजिक में। सर नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई नहीं नहीं देखा। थैंक यू सो मच सर, हो गया तुम्हें देख के दिल गार्डन वार्डन नहीं सर। थैंक यू। तो अपन आया है नक्की लेक, ये नक्की झील है। तो देखते हैं यहाँ पे करेगा वोटिंग करेंगे इसकी भाई, इसके अलावा कुछ है भी नहीं है। जून नॉट गुड, आपका दिल को सोया है। नहीं सर बोटिंग से आगे देख लिया भैया। नहीं हाँ बोटिंग से आगे देख, हाँ बट से मोड़ निकालना होगा तुम्हें, ठीक है। पक्का देख लिया भैया? हाँ हाँ अगर मोड़ नहीं निकला तो पैसे नहीं दूंगा मैं। मतलब उड़ने वाला मोर और कौन सा मोर? मोर थोड़ी निकलेगा, मेरे को वैसी जादू से निकाल देंगे तो सर। बोटिंग से आगे देख, चलो ठीक है बता दो। लेकिन हमको मोर ही थी तो लगेगा कि मैजिक हो गया। भैया इधर भी है। हाँ जी टिकट विंडो टिकट खिड़की पता करके आ गया यहाँ पे। एक बार खरीदा हुआ टिकट कोई भी स्थिति अस्थिति में वापस नहीं होगा, नए भुगतान किया जाएगा। तो अपने को पहले अस्थिति समझना होगा, स्थिति नहीं अस्थिति। यस ब्रो वी आर गोइंग बोटिंग, हम करेंगे ऑटोमेटिक बोट में ऑटोमेटिक। लाइफ जैकेट कितना? 4 है। लाइफ जैकेट भैया? लाइफ जैकेट लेना भैया, यहाँ से कहाँ से क्या पता सामने उठा के लेके आओ ना यार, एक 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 उठा लो छोड़ो, चार 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 उठा के लेके यार, इससे ऊपर से लाइफ जैकेट डुबती उबती तो नहीं होएगी ना? डुबी जाएगी एक हमने ये सब पहन रखा ना, इसके ऊपर से लाइफ जैकेट आएगा नहीं आएगा? लाइफ जैकेट नहीं आएगा मेरे ख्याल से, छोड़ दो फिर। आज फोटो ये रहा, फोटो जरा अपना बनता है सर। इसकी माँ का इधर बैठूंगा, इधर बैठूंगा मैं, पानी तो नहीं आएगा नीचे से। नहीं नहीं वहाँ रख कोने में एकदम नीचे। अपने नक्की लेक का जो जर्नी है वो यही होता है समाप्त। यहाँ बैठे हैं लंगूर, ये एक है नंबर का बंदर, बंदर लंगूर भाई भाई है ना। अब हो गया हमारा यहाँ राइड ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं खाना खाने के लिए और सीधे फिर घर के लिए निकल जाते हैं। सो बस जो था यही तक था, आगे कोई व्लॉगिंग करने का सेंस बनता है नहीं। माउंट आबू एक्सप्लोर हो गया है ना, अब वापस घर ही जाना, रास्ते वही है तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं।
सो जो था हमारा यहीं तक था, ये फाइनल है हमारा। हमने सारा कवर कर लिया राजस्थान में, ऑलमोस्ट 3 राइड हो गया मेरा राजस्थान का। जैसलमेर, जोधपुर, उस वाला साइड हो गया, जयपुर कुंभलगढ़ का साइड फिनिश कर दिया, और इस राइड में मैंने उदयपुर और माउंट आबू का साइड फिनिश कर दिया। तो ऑलमोस्ट कवर कर लिया राजस्थान हमने, बीकानेर, सीकर, ये सब हो चुका है। सो ये है नक्की लेक, और ये है पूरा माउंट आबू का रेंज, ठीक है, भीड़ भाड़ है अच्छी खासी। और ये है हमारे राइडर बंधु राजेश भाई, मज़ा आया राइड करके। रमेश भाई, मज़ा आया राइड करके। फिरोज, अच्छा लगा तू पीछे बैठा। पिलियन राइडर फिरोज द पिलियन राइडर, ये अपना वो इंस्टाग्राम हैंडल चेंज करने वाला है फिरोज, है ना। अभी इसका फिरोज है, बट वो बोला है कि मैं इतना अच्छा पिलियन राइडर हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल चेंज कर रखूँगा, उसका नाम रखूँगा फिरोज द पिलियन राइडर, ठीक है। सो बढ़िया है, तो ठीक है, चलते यहाँ से खाना वाना खाते, खाना खा के निकलते हैं, तो हमारे माउंट आबू का जर्नी यहाँ पे होता है समाप्त। मज़ा आया दोस्तों, हाई फाइव।